नमस्कार किसान भाइयों, उन्नत कृषि यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। तो किसान भाइयों, अभी अभी इफ्को ने आज 1 जून को एक ऐलान कर दिया है कि अभी वो यूरिया का नया फॉर्म बाजार में ला रहे हैं। तो वो कौन सा फॉर्म होगा? तो नैनो यूरिया ला रहे हैं इफ्को अभी लिक्विड फॉर्म में। तो अभी इससे क्या होगा? तो जो अभी जो यूरिया का जो हमें कन्वेंशनल यूरिया हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो है ग्रैन्यूल फॉर्म में, वो 45 किलो की जो बोरी आती है वो अभी नैनो फॉर्म में आएगा यूरिया। तो उसका जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा 500 ml, और जिसका कीमत अभी के यूरिया से 10% कम, यानी कि 240 रुपये में ये अभी नैनो लिक्विड हमको मिलेगा। अभी यूरिया ये कब से स्टार्ट होगा, नैनो लिक्विड मिलना कब से स्टार्ट होगा? तो अभी इफ्को ने बताया कि अभी वो जून से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और जुलाई के स्टार्ट में इसका बाजार में ये प्रोडक्ट आ जाएगा और किसान भाइयों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अभी किसान भाइयों, यूरिया का लिक्विड फॉर्म आने के बाद, नैनो फॉर्म में आने के बाद किसान भाइयों के लिए क्या फ़ायदा होगा? तो इसका ये फायदा होगा कि अभी जो हमको जो यूरिया का लागत लगता है, तो उससे आधा, मतलब उससे 50% हमको अभी कम यूरिया यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो नैनो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है यूरिया, तो इसका हमको छिड़काव करना है या स्प्रे करना है। तो अभी किसान भाइयों को इसकी वजह से उसका खर्चा, जो खाद पे खर्चा होता है किसान भाई का, वो अभी आधा हो जाएगा। ये आधा कैसे होगा? तो ये जो लिक्विड फॉर्म में लगेगा, ये डायरेक्टली हमको या तो उसका फॉलियर स्प्रे करना पड़ेगा, या तो उसका छिड़काव करना पड़ेगा, या जिस किसान भाई के पास ड्रिप होगा वो ड्रिप से भी इसे दे सकते। तो इससे क्या होगा, जो ज़्यादा यूरिया का जो नुकसान होता है, जो हवा में चला जाता है 50% ऑफ नाइट्रोजन, तो वो इसका रुक जाएगा स्प्रे की वजह से, और हमको जो लागत लगती है यूरिया की वो आधा कम हो जाएगा। और अभी इसका और एक फायदा क्या होगा, तो इसका इसके ऊपर जो इफ्को ने स्टडी किया है, वो 94 फसलों पे इफ्को ने इसका रिसर्च किया, तो 11,000 लगभग 11,000 किसानों के खेती पे, तो उनको ऐसा पाया गया कि 8% फसल उनकी इंक्रीज हुई है। तो मतलब किसानों का उत्पादन जो है वो 8% तक बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 8% तक किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। और किसान भाइयों, इसकी वजह से अब क्या होने वाला है, जो यूरिया के अधिक उपयोग से जो किसान की खेती जो बंजर हो रही थी वो अभी बचेगी, और अब किसान ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएगा, उसकी आमदनी बनी बढ़ेगी और खर्चा कम होगा। और एक इसका एक फायदा क्या होगा, तो अभी फिलहाल देश में 350 लाख टन यूरिया हर साल लगता है, अभी लिक्विड फॉर्म में यूरिया नैनो फॉर्म में आने के बाद इसका जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग आधे से कम हो जाएगा। और क्या, सरकार का जो खर्चा है वो 600 करोड़ रुपए सरकार का सब्सिडी का बच जाएगा, और ये किसान भाइयों के लिए और सरकार के लिए दोनों के लिए फायदेमंद चीज़ रहेगी। और इससे किसान का मतलब फायदा बढ़ेगा, और जो उसका लागत मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।